अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे विक्स एसईओ के अबाउट। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि विक्स वेबसाइट की एसईओ आप किस तरह से कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे देखें हमारे पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है मार्केटिंग इन एसईओ। तो सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे मार्केटिंग इन एसईओ पे और यहाँ पे देखें हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, मार्केटिंग होम और एसईओ टूल्स। तो हमें क्योंकि कंसर्न अभी राइट नाउ हमने एसईओ के रेलिवेंट ही करना है, तो मैं एसईओ टूल्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए मेरे पास स्पेसिफिकली एसईओ टूल्स नज़र आ गए हैं। ठीक है, अगर मुझे कोई प्रोफेशनल हायर करना है विक्स की तरफ से ही तो मैं इसको पे क्लिक करके हायर कर सकता हूँ, बट राइट नाउ आई वॉन्ट टू बी ए फ्रीलांसर और मुझे खुद इसकी सर्विसेज देनी है तो क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें सबसे पहला ऑप्शन है गेट फाउंड ऑन गूगल। तो मैं इसको अगर ओपन करता हूँ तो बहुत ही स्मार्टली जो है विक्स का एआई है वो मुझे सजेशंस देगा मेरी वेबसाइट को चेक करने के बाद कि आपकी वेबसाइट के अंदर ये कमियां हैं, आपको ये सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करनी है और इस तरह से ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें व्हाट इज़ योर बिजनेस ब्रांड नेम। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड नेम, आपका जो भी बिजनेस है जिस भी बिजनेस की वेबसाइट है वो आप लिख सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना बिजनेस दे सकता हूँ जो कि मेरा बिजनेस एक्चुअल में नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोचिंग सर्विसेज बाय एहसान दानिश। ओके, उसके बाद मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आई सर्व कस्टमर्स विद एन लोकल सर्विस, जो भी आपका ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट्स सपोज लाहौर पाकिस्तान और इसको मैं नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे वो पूछ रहा है विच कीवर्ड डू यू वांट टू यूज इन योर चेकलिस्ट। तो तीन कीवर्ड्स मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, लेट्स सपोज कोचिंग सर्विसेज इन लाहौर, एंटर। दूसरा कीवर्ड मैं लिख सकता हूँ ट्रेनिंग सेंटर इन लाहौर और वेबसाइट डिजाइनिंग ट्रेनिंग, ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। इनके बेस पे जो विक्स का एआई है वो मुझे देखें बहुत सारे उसने सजेशंस मुझे दे दिए हैं जो कि वो अच्छे तरीके से, यहाँ पे देखें जो है साइट का टाइटल, वो कह रहे हैं होम पेज का टाइटल है वो इस तरह से है जबकि इस तरह से नहीं होना चाहिए, इस तरह से कुछ होना चाहिए। इसमें से देखें कितना अच्छे तरीके से उसने खुद ही राइट डाउन कर दिए हैं जो टाइटल्स हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया तो ये मेरा ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब ये मैंने फिक्स कर दिया। आप चाहें तो कोई और टाइटल कस्टम भी लिख सकते हैं अगर आपको वो पसंद नहीं आ रहे जो विक्स ने क्रिएट किए हैं। अब यहाँ पे देखें होम पेज डिस्क्रिप्शन सर्च टाइटल, तो यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं, myself Sam Danish, I am teaching website designing using Wix। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि डिफरेंट आपने कीवर्ड्स ऐड कर दिए करने हैं, यूएस साइट नेम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइट नेम भी ऐड कर दूंगा। यू कैन लर्न एवरीथिंग रिलेटेड टू वेबसाइट डिजाइनिंग ऑन कोचिंग सर्विसेज बाय एहसान दानिश। ओके, अप्लाई हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप इन सब को फिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, जो जो आपकी ज़रूरियात हैं, जो जो विक्स ने ऐड किए हैं, तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड ऑप्शन है ऑप्टिमाइज योर साइट। ठीक है, अब आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जो आपने कीवर्ड्स लिखे हैं, आपके होम पेज है उसके ऊपर आपने कुछ कंटेंट लिखा है, तो उसके लिए सजेशंस दिए हुए हैं कि आपकी इमेजेस के अंदर alt टैग आपने यूज़ नहीं किया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने होम पेज के ऊपर यूज़ नहीं की। ठीक है, सोशल जो नेटवर्क्स हैं वो आपके होम पेज पर नहीं है। देखें बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने सजेशन दिए हुए हैं, इसी तरह अबाउट पेज के अबाउट इन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा काफ़ी सारे यहाँ पे देखें बहुत सारे टास्क हैं जो कि हमें कंप्लीट करने हैं अपनी वेबसाइट को अच्छी तरीके से उसके एसईओ करने के लिए। फिर यहाँ पे देखें जो लर्निंग है वो इन्होंने दी हुई है हायर विक्स एक्सपर्ट, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मज़ीद लर्न कर सकते हैं एसईओ के अबाउट। और उसके बाद हमारे पास अगर हम वापस आते हैं
ये पहला ऑप्शन था। फिर साइट इंस्पेक्शन कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या इश्यूज़ हैं क्या इश्यूज़ नहीं है, उनको आप किस तरह से फिक्स कर सकते हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। URL रीडायरेक्ट मैनेजर, लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट में URL ऐड किया है और वो कल को आप डिलीट कर देते हो और वो वाला URL आपका सर्च इंजन के अंदर इंडेक्स होता है, तो यूज़र अगर उस URL के थ्रू क्लिक करेगा और आपकी वेबसाइट पर आएगा तो वो पेज आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल ही नहीं होगा, तो उसको नज़र आएगा 404 एरर। अब यहाँ पे जो रीडायरेक्ट मैनेजर है, आप क्या कर सकते हैं, उन ब्रोकन लिंक्स को रीडायरेक्ट करवा सकते हैं अपने होम पेज पे या किसी भी पेज पे, तो जब भी किसी ऐसे URL के ऊपर यूज़र आए जो कि आपने अपने वेबसाइट से डिलीट कर दिया है तो वो उस यूज़र को पार्टिकुलरली उस पेज के ऊपर ट्रांसफ़र कर दे। हो सकता है आप URL चेंज करें अपनी वेबसाइट का, तो काफ़ी सारी रीजंस हो सकती हैं इसकी। उसके बाद यहाँ पे अगेन मेटा टैग्स एंड साइट प्रेफरेंसेस, ये SEO की काफ़ी सारी फिर सेटिंग्स है। फिर वेरिफिकेशन सेंटर, आपको अपनी वेबसाइट गूगल माई बिजनेस के अंदर, गूगल जो सर्च कंसोल है, गूगल एनालिटिक्स है, इस तरह की काफ़ी सारी वेबसाइट्स के अंदर ऐड करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। साइट मैप जनरेट करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। रोबोट डेट TXT एडिटर को यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या हैं, robot.txt क्या है, साइट मैप क्या है, तो इन सारी चीज़ों की डेप्थ में नहीं जा रहा मैं, क्योंकि मैं यहाँ पे SEO नहीं पढ़ाने आया, यहाँ पे हम जो है Wix डिज़ाइनिंग के रिलेवेंट कर रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया, इसके बारे में आप मज़ीद यहाँ पे लर्न कर सकते हैं Wix के अपने प्लेटफॉर्म पे जाके, या आप इसके अबाउट मज़ीद लर्न कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके रेलिवेंट भी एक कंप्लीट सीरीज़ बनाऊं SEO की कंप्लीट डिटेल के रेलिवेंट, जिसके अंदर मैं डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी SEO करके दिखाऊं, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके लिए वो कंप्लीट सीरीज़ बनाऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।